अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स सुबह की 10, और कल हम लोग रुके थे यूथ हॉस्टल नैनीताल में जो हाई कोर्ट के पास है, और अब हम यहाँ से नैनीताल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देखने के लिए आज का सफ़र चालू करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के सामने सेंट जॉन्स वाइल्डनेस चर्च लगभग 170 साल पुराना है और ये ताड़ और पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ है और अपने नियो गॉथिक स्ट्रक्चर और अपनी ग्लास विंडोज के लिए प्रसिद्ध है। सामने जो चर्च आप देख रहे हैं ये बनाया गया था 1848 में, केवल 15,000 रुपये के डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से कैप्टन यंग ने इसका निर्माण करवाया था। साथ में आप एक टावर देख रहे हैं, जब 1880 में यहाँ पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था भूकंप के कारण, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस टावर का निर्माण कराया गया था। गोथिक स्टाइल का इस चर्च का आर्किटेक्चर है, और अभी मैंने यहाँ पता किया तो इस चर्च का ताला केवल साफ़ सफाई के लिए खोला जाता है और फादर से विशेष परमिशन लेने के बाद ही आप अंदर देख सकते हैं। तो अभी तो शायद मुझे इसको अंदर से देखना संभव नहीं होगा क्योंकि फादर यहाँ से बहुत दूर रहते हैं और उनसे मिलके और परमिशन लेने के बाद ही इस चर्च को देख सकते हैं। तो अगली बार जब भी नैनीताल का भ्रमण करूँगा तो मैं इसको अंदर से खोलकर दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। 1844 में कलकत्ता के बिशप डैनियल विल्सन इस चर्च का फाउंडेशन रखने के लिए आए और उसके बाद ही वे बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें इस चर्च के पास ही एक अधूरे बने घर में इस निर्जन स्थान में रहना पड़ा, तो तभी से इस चर्च का नाम सेंट जॉन्स चर्च इन द वाइल्डनेस पड़ गया। चर्च के नज़दीक ही ये नैनीताल का सबसे पुराना कब्रिस्तान है जिसमें कई प्रसिद्ध लोगों की कब्रें हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ द सेंट जॉन्स चर्च इन द वाइल्डनेस के कब्रिस्तान में। ये नैनीताल का सबसे पुराना चर्च और कब्रिस्तान है और यहाँ पर मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के माता पिता क्रिस्टोफर कॉर्बेट और मैरी कॉर्बेट की कब्रें हैं जो आप सामने देख रहे हैं। बहुत ही ख़राब अवस्था में और यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है। और सामने देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सर जॉन नॉक्स की कब्र है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जॉर्ज क्रॉक्स एक अंग्रेज जज थे पर इन्हें इंडियन भाषाओं का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। ये मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल फ्लुएंट और धारा प्रवाह बोल लेते थे, तो इनकी भी मृत्यु यहीं हुई और इनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में। मस्जिद के पास से आर्यपट्टा पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़कर हम पहुंचेंगे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के गर्नी हाउस में। तो मैं इस समय नैनीताल के आर्यपट्टा में जिम कॉर्बेट जो मशहूर शिकारी थे उनके घर गर्नी हाउस में खड़ा हूँ। ये उनके माता पिता का पुश्तैनी मकान था और ये यहाँ पर आखिरी दम तक रहे जब वो अफ्रीका चले गए थे। अब हम अंदर चलते हैं और हाउस को देखते हैं। आइए, ये इनका मकान का एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग हॉल देखेंगे। ये बैठक का कमरा है और इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्बेट साहब के शिकार किए हुए कई जानवरों के फॉसिल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। उनका स्टडी रूम भी यही था, तो आप उनकी बुक्स भी देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट साहब ने कई मैनिटर टाइगर्स का और लेपर्ड्स का शिकार किया और कई लोगों की जानें उन्होंने बचाई और लोगों को एक खौफ से आज़ाद किया, तो उस उपलक्ष्य में इन्हें इतने मेडल दिए गए थे। और भी बहुत सारे मेडल्स हैं जो ब्रिटेन के म्यूज़ियम में रखे गए। ये सामने आप देख रहे हैं कॉर्बेट की सिस्टर का फोटो। डेढ़ सौ साल हो चुके हैं इन क्रॉकरीज में इस्तेमाल हुए और इन प्यालियों में चाय पिए हुए। अभी भी आप देखिए ये उसी तरह सहज कर रखी गई थी जैसा कॉर्बेट साहब इसे छोड़कर गए थे। इस शानदार घर को देखते देखते आपको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया होगा कि पुराने लोगों ने कितनी एक शानदार ज़िंदगी जी है, और आज भले ही आपके पास सब कुछ हो पर उसके बाद भी आपको आज की प्रकृति से दूर ये मशीनी ज़िंदगी बड़ी दिखावटी और बेमानी सी लगेगी।
एंड दिस इज द ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मास्टर बेडरूम अ पैनोरामा ऑफ गुड ओल्ड डेज हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल फर्नीचर हियर और ये कार्बर साहब का सेकेंड बेडरूम है जो जनरली वो विजिटर्स और जो उनके मेहमान कोई मिलने आते थे तो उनके लिए ये रूम वो इस्तेमाल करते थे। इसमें भी आप यहाँ की एम्बियंस और यहाँ का वातावरण देखिए कितना सुंदर और बढ़िया वातावरण है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठा हूँ जिम कॉर्बेट हाउस के बरामदे में। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। जब भी किसी गांव को पता चलता था कि उनके इलाके में मैनिटर टाइगर आया है तो ये वही जगह है जहाँ कॉर्बेट साहब बैठते थे और सामने गांव के लोग आकर प्रणाम करके बैठ जाते। कॉर्बेट साहब राम राम। अगर आदमखोर आया है उससे हमें बचाइए। कई लोग उन्हें एक भगवान का अवतार भी मानते थे। आसमान से हम लोगों की रक्षा करने के लिए ज़मीन पर आए हैं और फिर उसके बाद कॉर्बेट साहब उनको खाना खिलाते थे और उसके बाद तैयारी करने के बाद उनके पास एक पुरानी दुनाली बंदूक होती थी और एक पेट्रोमैक्स जिसे रास्ते में कई बार माचिस से जलाना पड़ता था और कई बार वो नहीं भी जलता था और उसको लेकर कॉर्बेट साहब अपने साथ एक उनका प्यारा कुत्ता था उसे लेकर निकल पड़ते थे। और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो कई फैमिलियाँ बैठी हैं जो जिम कॉर्बेट का गर्नी हाउस देखने के लिए आई है। तो सी सच अ ब्यूटीफुल पीपल एंड देर आर सो मेनी चिल्ड्रन आल्सो हियर एंड वी आस्क देम अबाउट जिम कॉर्बेट। तो बच्चों आपका क्या नाम है? योर नेम इज इंसिया एंड यू अमतुल्ला एंड शी इज ओके शेरवानो एंड दिस ब्यूटीफुल बॉय। हाँ तो यू नो अबाउट जिम कॉर्बेट? तो जिम कॉर्बेट कौन थे और उन्होंने क्या किया था? बड़े शिकारी थे। उन्होंने 450 टाइगर्स को मारा था। ये आपको किसी ने याद करवाया कि आपको पता था? हमें पता था। अच्छा अच्छा रुद्रप्रयाग आपको मालूम है? रुद्रप्रयाग के टाइगर को मारा था और कितने लोगों को मार दिया था? रुद्रप्रयाग के टाइगर 450 लोगों को मार दिया था। तो आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया था, गिना था कहीं उसको? नहीं गिना था। अच्छा आपको कहीं से पता चला? तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे, देखिए इनको भी पता है कि जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे और उन्होंने रुद्रप्रयाग के टाइगर को मारा था जिसने 450 लोगों का शिकार किया था। तो अब विजिटर बुक में साइन करने के बाद हम लोग चल पड़ेंगे नैनीताल के सुंदर नज़ारे देखते हुए तल्लीताल में नीरू रेस्टोरेंट की ओर, क्योंकि शाम के 5 बजे का समय और भूख भी जोरों की लगी। नीरू रेस्टोरेंट अपने स्नैक्स और फास्ट फूड के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के रेट भी बड़े रिजनेबल हैं। मैंने मंगाया है एक बन पाव जो यहाँ का प्रसिद्ध रेसिपी है। इसके साथ ही हम लोग कुछ थोड़े गरम गरम मोमोज का भी आनंद लेंगे और साथ ही मैंने मंगाया है एक छोला भटूरा। तो यहाँ से लंच फिनिश करने के बाद हम लोग चलेंगे नैनीताल झील की ओर बोटिंग के लिए। लगभग 200 रुपीस में आप यहाँ एक घंटा तक बोटिंग कर सकते हैं और अपनी शाम बढ़िया ढंग से गुजार सकते हैं। अंधेरा होने के बाद पास ही तिब्बती मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं जहाँ सभी प्रकार के कपड़े, ज्वेलरी और कई प्रकार की दूसरी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और अब रात हो चुकी है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारे देखिए। तो फ्रेंड्स नैनीताल झील के इस हसीन नज़ारे के साथ ही हम आज का सफ़र समाप्त करते हैं और कल सुबह से हम लोग चलेंगे उत्तराखंड के न्यायाधीश गोलू देवता के मंदिर में और सत्ताल क्रिश्चियन एस्टेट की ओर। तो इस चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।